हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग इस बात पर डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर इस बार जो जैक का जो 2022 में जो मैट्रिक और इंटर और बाकी सब जो 8, 9, 11 का जो 12 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, वो आखिर किस तरह से लिया जाएगा। आप सबको पता ही है कि इस बार जैक ने ये नोटिस जारी किया है कि एग्ज़ाम जो है वो एक ही टर्म में, जी हाँ, एग्ज़ाम जो है वन टर्म में ही लिया जाएगा। तो एक टर्म में लिया जाएगा और वो भी 75% जो न्यू सिलेबस, जी हाँ, जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्ड उस पर वो एग्ज़ाम लेगा। न्यू सिलेबस पर जो है वो एग्ज़ाम लेगा 75% पर, ठीक है। अब विद्यार्थियों को ये परेशानी है कि अब एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। तो जहाँ तक लगता है, देखिए, एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ तक लगता है, देखिए, एग्ज़ाम अगर होगा तो वो दो कैटेगरी में दो तरीके से लिया जा सकता है। देखिए, आपको वो बोल रहा है कि 75% सिलेबस पर एग्ज़ाम लेंगे, और आप सबको पता है कि टर्म वन का एग्ज़ाम उसने लिया नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, टर्म वन और टर्म टू दोनों का सिलेबस मिला के एग्ज़ाम उसको लेना है अब, ठीक है। अब दोनों का सिलेबस मिला के अगर वो एग्ज़ाम लेगा तो अब जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का पैटर्न, जी हाँ, एग्ज़ाम का पैटर्न आखिर क्या हो सकता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या हो सकता है, उस पे चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, एग्ज़ाम का पैटर्न में तो आपको पता, देखिए, 20 मार्क्स तो इंटरनल है, ठीक है, 20 मार्क्स इंटरनल है, तो बचा आपका 80 मार्क्स। अब वो इस 80 मार्क्स को कैसे एग्ज़ाम ले सकता है? तो 80 मार्क्स में ये हो सकता है कि जो टर्म वन में जो आपका 40 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होने वाला था उसको हो सकता है इसके साथ वो 40 मार्क्स वो ऑब्जेक्टिव करे, 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो डाले, और 40 मार्क्स, जी हाँ, 40 मार्क्स वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सेट करें जो आपका टर्म टू सिलेबस का है, जी हाँ, जो आपका टर्म टू सिलेबस का है उसमें से 40 मार्क्स वो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम ले ले, और टर्म वन का सिलेबस में से वो 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम ले ले, ठीक है। ये हो सकता है। तो दूसरी संभावना क्या है कि वो टर्म वन सिलेबस और टर्म टू सिलेबस, ठीक है, दोनों को मिलाकर वो 80 मार्क्स का वो हो सकता है कि ऑल ऑल सब ऑल जो है ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्ज़ाम ले ले, ठीक है। यानी कि दो तरीके से एग्ज़ाम, ठीक है, 80 मार्क्स के लिए टर्म वन का 40 ऑब्जेक्टिव सेट करें और टर्म टू का वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट कर दे, ठीक है, ये हो सकता है। दूसरा चांसेस क्या है? दूसरा चांसेस है कि टर्म वन और टर्म टू दोनों से मिलाकर वो टोटल 80 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम पूछ ले, ठीक है, क्योंकि क्योंकि रिजल्ट जो है उसको जल्द निकाल रिजल्ट्स जो है जल्दी से निकालना है, तो वो इस पैटर्न को फॉलो कर सकता है, ठीक है। तो अब बाकी जो है रिपोर्ट आपको इस वीक में, जी हाँ, इस वीक में आपको रिपोर्ट जो है मिल जाएगा कि क्या होगा। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर दो तरीके जो हैं एग्ज़ाम को लेकर तैयार किए जा सकते हैं, जी हाँ, दो तरीके जो है
तैयार किए जा सकते हैं, और दोनों में से जो भी हो सकता है एग्ज़ाम आपका लिया जाए। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरा ये जो सजेशन है, जो ये मेरा सोच है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।